हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ अनिमा पाल। तो दोस्तों, आज बात करते हैं, कभी भी बोले हुए शब्द वापस नहीं आते हैं। ये बिल्कुल सच कहा गया। हम बोल तो देते हैं, कभी गुस्सा में, कभी हंसी मजाक में, कभी इतना खुश होते हैं उत्साह में कि हमें पता ही नहीं होता कि हम सामने वाले को क्या रिप्लाई कर रहे हैं, या रिप्लाई नहीं, हम अपनी तरफ से भी उसे क्या बोल रहे हैं। पर हम बोल देते हैं जो हमारे मन में आता है, जो हमारे मुंह में आता है, जो हमारे दिमाग में आता है, लेकिन वो शब्द कभी भी वापस नहीं होते हैं। तो हमेशा हमें सोच समझ करके बोलना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे बोले हुए शब्द ही हम पे भारी पड़ जाते हैं और उनकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ जाती है। आइए इस बात को हम एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं। दोस्तों, एक बार एक किसान होता है और वो उसके घर में एक बार कोई संत आते हैं कुछ भीख मांगने के लिए या फिर ठहरने के लिए, लेकिन वो गुस्से में, जोश में उनको कुछ भला बुरा कह देता है और संत चले जाते हैं वहां से। फिर उसको जब अपनी गलती का एहसास होता है तो वो सोचता है कि हम महात्मन से जाकर के माफी मांगे जाकर के, और उनसे हम अपने कहे हुए शब्द वापस ले लें। फिर वो जाता है संत के पास और उनसे बोलता है कि हमें अपने बोले हुए शब्द वापस लेने हैं और आप उनका बुरा मत माने। तो संत उसको एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, किसी एग्जाम्पल से उसको समझाते हैं। उसको बोलते हैं कि तुम बहुत सारे पंख इकट्ठा करो, चिड़ियों के पंख, ठीक है। वो बहुत सारे पंख इकट्ठा करता है और उसको बोलते हैं कि इन पंख को किसी जगह पे जाकर के रख दो। वो रख देता है जाकर के, आ जाता है फिर वापस सुनी के पास। और उसके बाद में फिर वो संत बोलते हैं उससे कि जाओ और वही पंख उठा करके लाओ वहां से। वो जाता है लेकिन वहां उसको कोई भी पंख नहीं मिलता है, सारे पंख हवा की वजह से उड़ जाते हैं। जब हवा की वजह से उसको पंख नहीं मिलते हैं, उड़ जाते हैं, तो आकर के संत जी को बोलता है। तो संत जी उसको बोलते हैं, ऐसा ही होता है, हमारे बोले हुए शब्द सिर्फ निकल जाते हैं, कभी हमें वापस नहीं मिलते हैं। उसका एक प्रायश्चित जरूर हो सकता है। वो आप किसी से अगर बोल दो कुछ भी गलती से, कभी भी कुछ मुंह से निकल जाए, तो आप उसके लिए क्षमा मांग सकते हो, जिससे आपके दिल का बोझ, आपके मन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाएगा और उस इंसान को भी उतना बुरा नहीं लगेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।